या अभी जो नया है गाना उसके रिलेटेड कुछ? अब मैं अभी सिर्फ आपसे ये पूछ रही हूँ, मेरा दिल क्या पुकारता है? मेरा दिल ये पुकार है आजा, यही है मेरा दिल ये पुकार है आजा, बिकॉज इट्स माधुरी, इट्स माधुरी। मोहम्मद जायद मुझे ये बताओ मेरा दिल क्या पुकारता है? मेरा दिल पुकारे तू आजा। अच्छा मुझे इस बार अगर हम एक मुहावरा बोले बूटी कोड़ी लाल का। एक जगह थी दनानीर की और एक जगह थी ये जो मुझे मारो वाला है, क्या नाम है उसका? एक लड़का, ओ भाई मुझे मारो, वो वाला। तो वो भी इस तरह मूवीज और ड्रामास में इन हो गया और ये भी हो गई, ये भी हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, नमस्ते इंडिया। तो यहाँ पर मैं आपको कहना चाहती हूँ कि हाल है ठीक हो ना, और साथ ही साथ ये कि पारी हो रही है, और उसके साथ साथ मैं ये कहूंगी जी कि पाकिस्तान में अगर हम ट्रेंड्स की बात करें तो ट्रेंड जो है ना सोशल मीडिया पर ऐसे 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 बन जाता है, और फिर जो ट्रेंड में ट्रेंडी हो जाता है वो फिर पैसे ऐसे 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 कमाता है। और अगर हम लोग बात करें तो बात हम लोग कर रहे हैं जी मेरा दिल ये पुकारे आजा। मेरी आवाज में तो आपको अच्छा बिल्कुल नहीं लगा होगा, लेकिन पाकिस्तानी एक लड़की जिसका नाम है ओए आयशा, जिसकी फैन फॉलोइंग इंस्टाग्राम पे चेक करें तो वो थंबनेल को ही नहीं आ रही भाई, मिलियन को उस बच्ची ने ऐसे क्रॉस कर लिया है। और वो क्यों क्रॉस किया है ये भी आपको बताते चले, तो एक रिसेंटली वीडियो वायरल हुई जिसमें उसने डांस किया था मेरा दिल ये पुकारे आजा पे, और उसके बाद भाई बच्ची की वाह वाह हो गई है, और बच्ची जो है 3 दिन के अंदर 2 करोड़ का बिजनेस भी कर चुकी है। और आज हम लोग जिस बारे में बात करने वाले हैं वो है माधुरी दीक्षित ने भी मेरा दिल ये पुकारे आजा का ट्रेंड जो है वो फॉलो कर लिया है जी, और उन्होंने की है एक वीडियो जो कि है इस वक्त मेरे फोन में, और आज हम लोगों का रिएक्शन इस बारे में कि उनको रियल वर्सेस रील में क्या ज्यादा अच्छा लगा है, और वो माधुरी दीक्षित के इस रिएक्शन को कैसे देखते हैं। तो चलते हैं जी आवाम की तरफ, जानते हैं उनका ओपिनियन। अगर आपने ओरिजिनल वीडियो नहीं देखी है जो कि एक पाकिस्तानी लड़की की है जो शादी में डांस कर रही है, तो जाए लाजमी देखे जी, क्योंकि मेरा दिल ये पुकारे आजा। तो चलते हैं आवाम की तरफ, जानते हैं उनका ओपिनियन, हमारे साथ शेयर करेंगे आप अपने ओपिनियन। सलामुलेकुम। वालेकुम सलाम। की हाल है? बुरे हाल है। ठीक हो ना? हाँ ठीक है। अच्छा सर ये बताएं कि मेरा दिल क्या पुकारता है? शादी। नहीं नहीं मैं आपके ट्रेंड की बात कर रही हूँ कि जब आप अपना मोबाइल ऑन करते हैं, कोई सोशल मीडिया ऑन करते हैं, इंस्टाग्राम फेसबुक या कोई भी ऐप यूज करते हैं, तो उसके अंदर एक ही चीज आ रही है मेरा दिल ये पुकारे, क्या पुकारे? शादी। तू रहने दे बेटा, तेरे से नहीं होना। अच्छा एक लड़की है जो वायरल हो रही है आजकल, मेरा दिल ये पुकारे आजा पे डांस किया है उसने, ठीक है, पाकिस्तान। वालेकुम अस्सलाम, की हाल चाल? अल्हम्दुलिल्लाह। और क्या कर रहे हैं? मैं अभी वैसे ही आए थे। करते क्या है? मैं डॉक्टर भी हूँ और सिंगिंग भी करता हूँ। डॉक्टर विद सिंगर, मतलब लाइक ब्यूटी विद ब्रेन, नहीं ब्यूटी नहीं कहेंगे, कॉर्ड्स विद ब्रेन, जो भी कर लो खैर। अच्छा मुझे ये बताएं मेरा दिल क्या पुकार है? अभी जो नया है गाना उसके रिलेटेड कुछ? मैं अभी सिर्फ आपसे ये पूछ रही हूँ मेरा दिल क्या पुकारता है? मेरा दिल ये पुकार है आजा। यार ये कैसे हो सकता है, सबको ही पता है। लेकिन अभी हम आपको एक वीडियो दिखाने वाले हैं, ठीक है जी। एक रिएक्शन आया है इंडिया से और बड़ा सवेर रिएक्शन आया, ठीक है जी। हमने वो वीडियो आपको दिखानी है, आपने उस पर रिएक्शन देना है, ठीक है? रेडी? यस। की बात है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है? मोहम्मद जायद। मोहम्मद जायद मुझे ये बताओ मेरा दिल क्या पुकारता है? मेरा दिल पुकारे तू आजा। अच्छा मुझे ये बताया कि आपने वीडियो देखी है? हाँ मैंने देखी है। कैसी लगी है? सही है, मतलब सही है। सही है, अच्छा चलो ठीक है। अभी हम आपको एक और वीडियो दिखाएंगे, रियल वर्सेस रील वाला टाइप। तो आपने वीडियो देखनी है, आपने कहना है ये वीडियो के, ओके, कॉपी की गई है, ठीक है, ठीक है। चलो जी रिएक्शन आया जी हमारा अक्रॉस द बॉर्डर। वो डांस मैंने देखा, बड़ा लेवल का था, बड़ा लेवल का था। अभी आपको एक और डांस दिखाने वाले हमने, वैसे ही कॉपी किया गया वो डांस, ओके, चेक करें। चले आए चेक करते हैं। ये भी प्यारा है, इनका अच्छा लगा रही है। गौर करो कौन है ये? ये तो कोई एक्टर लग रही है, नाम पता नहीं पता इसका, ये तो एक्टर है। पुरानी माधुरी का नहीं पता, मधुरी होगी पता नहीं कौन है, लेकिन ये एक्टर है। हाँ बताओ कैसा लगा? अच्छा लगा। हाँ जी कैसा लगा, मजा आया कि नहीं? मैं पापा को कॉल करता हूँ, मेरी शादी कर रहे, देख के शादी का मन कर रहा है। अच्छा मेरी बात सुनो, यहाँ पर ना एक सवाल है, मुझे ये बताओ कि ये जो लड़की है ना इसने 3 दिनों के अंदर 2 करोड़ रुपए कमाए हैं, 2 करोड़ रुपए, क्या कहोगे?
मैं दुआ मांगूंगा मैं भी लड़की बनूं। बिल्कुल ठीक है जी, थैंक यू सो मच। आगे बढ़कर हम लोग से बात करेंगे हमारे साथ। जी जी, पहली वाली वीडियो देखी है ना? हाँ वो ली। चलो ठीक है, ये वाली वीडियो देखो। Nice. क्या कहेंगे? यही कि मेरा दिल क्यों करे आज, because it's madri, it's madri। मुझे ये बताए कैसा लगा ये रील, कैसी लगी? बहुत अच्छी, obviously madri है तो। madri is, you know, she's the queen of dance। अच्छा मुझे ये बताए, ये लड़की जिसने इस पे डांस किया था निदा यासर के शो में गई, 3 दिन में इसने 2 करोड़ रुपए कमा लिए, आपकी सैलरी क्या है? मैं अभी स्टूडेंट डॉक्टर हूँ तो कमा लेते हम, नॉर्मली कमा लेते। देखा ना, मतलब सोशल मीडिया की क्या पावर है? डेफिनेटली बहुत ज्यादा है। मैं अपना भी बात करूँ तो मैं एक्सपेक्ट यही कह रहा होता हूँ कि कोई एक आधी चीज निकल आए देन हम लोग भी गुटर से। ये चीज है। अच्छा चले, अब आपने मुझे बताया कि आप सिंगिंग भी कर लेते हैं, अब एक गाना तो हो जाए और यही हो जाए, क्योंकि आज कल दिल पुकार यही रहा है कि आ जा, तो आज फिर हो जाए। ठीक है मेरा दिल ये पुकारे आजा, मेरे गम के सहारे आजा, भीगा भीगा है समा ऐसे में है तू कहा। बिल्कुल ठीक है जी, थैंक यू सो वेरी मच। वैसा सर मौजूद थे, डॉक्टर साहब ने सिंगिंग भी करके दिखाई और हमें किया एंटरटेन, क्रॉस द बॉर्डर। अच्छा चले, उस पर तो चले सही लग रहा था। हाँ। इस बार अगर हम एक मुहावरा बोले, बूटी कोड़ी ला लेगा। अच्छा चलो मुझे ये बताओ कि एक दफा इससे पहले भी एक ट्रेंड स्टार्ट हुआ था, वो ट्रेंड था और पावी हो रही है, वो भी इंडिया तक गया था, अब ये ट्रेंड भी इंडिया तक गया है, क्या कहेंगे इस बारे में कि लाइक व्हाट इज द हैपनिंग, और इस लड़की ने 3 दिन में 2 करोड़ का बिजनेस किया है। मेरा दिल पुकारे आ जा वाली, हाँ कर सकती है, क्योंकि एक्चुअली मैं जहाँ पे इतना होता है पब्लिक रिएक्शन या रुझान, तो वहाँ पे लोग ज्यादा हाइप हो जाती है। फॉर एग्जांपल अगर 2-3 दफा आएगी गुजरेगी हमारे सामने से, तो फिर हम भी कहेंगे यार देखें तो सही क्या मसला है इसके साथ। तो इस तरह ही है, क्योंकि लोगों ने अपना बिजनेस जो है प्रमोट करना होता है, तो प्रमोट करने के लिए प्याज और ये सारी चीजें। हाँ जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा यहाँ पर मैं एक सवाल करना चाहूंगी, मुझे ये बताएं कि माधुरी दीक्षित ने रिएक्ट कर डाला जी, क्या लगता है ये लड़की अब कहाँ जाने वाली है? मतलब अगर आप देखें दना नीर कहाँ पहुंच गई पाकिस्तान फिल्म मूवी इंडस्ट्री में, चली गई कहाँ कहाँ जाके उसके चर्चे हुए हैं, अब ये लड़की भी जी आगे निकल गई, आयशा नाम है इसका। हाँ बिल्कुल जी, ये इस तरह ही निकलेगी। एक्चुअली मैं एक पोस्ट भी देख रहा था, उसमें बात ये थी कि ना मतलब एक जगह थी दना नीर की और एक जगह थी ये जो मुझे मारो वाला, क्या नाम है उसका? हाँ, है एक लड़का, ओ भाई मुझे मारो। हाँ, वो वाला। हाँ। तो वो भी इस तरह मूवीज और ड्रामास में इन हो गया, और ये भी हो गई, ये भी हो जाएगी। हाँ। क्योंकि लोग वायरल ही होते हैं इसलिए। हाँ। क्योंकि ये बाय चांस ही होता है। मुझे ये बताओ सोशल मीडिया कितनी बड़ी पावर है, आप देखे ना कितने सारी हमारे पास एग्जाम्पल, निमरा अली को देख ले आप, और आप दना नीर मुबीन को देख लें आप, वही ये जो लड़का था ओ भाई मारो मुझे वाला, और ये आयशा को देख लें, सोशल मीडिया सच अ बिग पावर, क्या कहेंगे इस बारे में? बिग पावर तो है, मगर इसके एज कम्पेयर टू दूसरे साइड इफेक्ट्स भी हैं। क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर कोई बंदा अच्छी स्टडीज या प्रोफेशनल स्टडीज कर रहा है, उसके लिए तो ये बकवास है, नुहसत से काम नहीं है इसमें। बिल्कुल, और वैसे भी जो वायरल हो रहे हैं दैट इज लाइक पीपल आर गोइंग फॉर सस्ती शोहरत, नहीं सस्ती शोहरत नहीं कहेंगे, क्योंकि वो चाहती तो नहीं थी कि वायरल हो। हाँ। क्योंकि लोगों ने उसे देख देख के वायरल, क्या पता हम उसके घर में तो नहीं बैठे हुए ना। हाँ, ये भी है। exactly. क्योंकि जब आप ऑन करते हैं किसी चीज को, तो वो आपके फेशियल एक्सप्रेशन या आपके फेस से पता लग रहा होता है, और उसके आप अगर इंटरव्यूज देखें तो कहीं से भी इतनी खुश नहीं लग रही कि जिस तरह दना नीर मुबीन थी या ज़ारा डार जो जिसने पोजीशन होल्डर थी या वो ओ भाई मारो वाला था, ये सारा कुछ। राइट राइट राइट, थैंक यू सो वेरी मच सर, ज्यादा हमारे साथ आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।
तो जी व्यूअर्स, मेरा दिल ये पुकारे आजा माधुरी दीक्षित का भी हमने डांस देखा, ठुमके देखे, एंजॉय भी किया, लोगों ने भी किया, मैं भी थोड़ा थोड़ा कर लेती, कोई बात नहीं, करना चाहिए। और इसी के साथ साथ आज की वीडियो हमारी होती है खत्म। आपको कैसी लगी ये तो हमने आपको बताया कि क्या करना है, कमेंट बॉक्स में बताना है जी। और उसी के साथ साथ अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपके पैसे बिल्कुल नहीं लगते हैं ना चैनल को सब्सक्राइब करने में और ना ही लाइक करने में। तो जी लाइक भी कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें और शेयर भी किया करें, क्योंकि हम बहुत मेहनत करते हैं भाई। और इसी के साथ साथ आपसे चाहिए इजाजत, अपना और अपनों का आपने बहुत ख्याल रखना है, मैं हर वीडियो में कहती हूँ, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी है।